नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश. ओके, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई. ओके, नाउ ये जो लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो. ओके, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू जीरो. इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो. ओके, नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड, एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे वाई के यहाँ वन है एक पॉइंट, एक लाइन है जो ए से पास होती है, ठीक है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है. तो कोई भी पॉइंट देखो, एक्स जीरो है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, फाइव है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर. फॉर ऑल दिस पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ वाई इज वन ओनली. मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, टू कॉमा वन. ये पॉइंट क्या होगा, थ्री कॉमा वन. दिस इज माइनस वन कॉमा वन, दिस इज माइनस टू कॉमा वन. सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू वन. यस, ठीक है. तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू ए. वो ए क्या है, जिस जो वाई की वैल्यू है. ओके, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वाई इज, दैट इज ए. ओके, सो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स इक्वेशन विल बी वाई इक्वल्स टू ए. इज इट क्लियर? यस मैम. एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन ये होगी. ओके, सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, सपोज एक लाइन है जो एक्स इक्वल्स टू वन से पास होती है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस विल एक्स इज एक्स इक्वल्स टू वन. यस मैम. ठीक है, y एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू जीरो. और कोई भी लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इट्स इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू दैट नंबर, जो भी ये x के पॉइंट से पास हो रहा है. अगर ये वाली लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, द ग्राफ of x equals to a is a straight line parallel to y axis and the graph of y equals to a is a straight line parallel to x axis. Okay, and an equation of type y equals to m into x, m कोई भी नंबर हो सकता है, okay, represents a line passing through origin. अगर कोई इक्वेशन हमको ऐसी दे रखी है वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, मतलब जैसे वाई इक्वल्स टू टू एक्स, वाई इक्वल्स टू फाइव एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये वाली, ये जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा. मतलब ये एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है. तो ये हमको याद रखना है कि एक्स इक्वल्स टू समथिंग विल बी अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस,
and y equals to something will be graph of this will be a straight line parallel to x axis. Okay. Yes, now, ma'am, this type of questions are also given by us, sir. Why? Ma'am, this type of questions are given by us, sir. Okay, you are sir. Yeah. Okay. Actually, MCQs, confusing MCQs can be framed by this concept. इस कॉन्सेप्ट से कंफ्यूजिंग एमसीक्यू बना सकते हैं इसलिए इट्स लाइकली दैट इफ एग्जाम्स लाइक इफ नेक्स्ट एग्जाम इज ऑनलाइन ओनली देन सम एमसीक्यू कैन कम बेस्ड ऑन दिस ओके मैम दिस टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ओके कमिंग ओके ओके नाउ एग्जांपल 9 सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 equals to x - 3 and represent the solution on number line. So, isko pehle solve karenge. 2x minus x equals to minus 1 minus 3. X equals to minus 4. ठीक है? जो junior classes में हमने देखा था, number line में खाली एक ही axis होती है. Okay? तो इस पे हम points mark करेंगे 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. When we are asked to plot this on number line, okay, we'll just make this number line and we'll plot the we'll point this and we'll mark this point x equals to minus 4. Okay, this is x equals to minus 4. Clear? Okay, ma'am. Then second part, we have to plot this in Cartesian plane. Cartesian plane is xy axis और coordinate plane, okay? So we'll first of all, x equals to minus 4 हमको plot करना है. हमने अभी देखा था, x equals to a is a line parallel to y axis passing through a. तो x equals to minus 4 एक line होगी, which will be parallel to y axis passing through minus 4. तो पहले दोनों axis बनाएंगे, x x dash y y dash will mark the numbers 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Then x equals to minus 4 will be a line parallel to y axis passing through minus x equals to minus 4. So, ye hogi equation graph hoga x equals to minus 4 ka. This will be, this is a graph of x equals to minus 4. Line parallel to y axis passing through point minus 4. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exercise 4.4. Give the geometric representation of y equals to 3 as an equation in one variable and equation in two variable. Okay. So, geometric representation means we have to plot it graphically. Okay. Y equals to 3. In one variable, so we have to just make a number line and plot this point 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, and y equals to 3. This will be point. Okay. When it is two variables, this is first part, how you have to do first part, and in two variables, y equals to 3. Yes, Yashvi, can you tell me y equals to 3 will be a line parallel to which axis? Y equals to 3 will be a line parallel to which axis? Ma'am, x. X axis. Okay. So, or passing through y equals to 3 point, okay? So, y equals to 3 कहाँ पे होगा? Y equals to 3 यहाँ पे है. एक line इस point से pass होते हुए बनाना है जो x-axis के parallel हो. तो इसका graph ऐसा होगा. Y equals to 3 will be a line parallel to x-axis passing through y equals to 3 point. Give the geometric representation of 2x + 9 equal to 0 as an equation in one variable and in two variables.
So first of all, we'll solve it. 2x equals to minus 9. X equals to minus 9 by 2. That is equal to minus of 4.5. When we'll be representing it in one variable, we'll be showing on number line. So this is between 5 and minus 3, 4. Yes. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5. Minus 4.5 will be lying between minus 4 and minus 5. Minus 5, yes. Okay. X equals to minus of 4.5. This will be the point. Okay. In one variable. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Make it in your copy. Then second part. First of all, complete this. Then I am explaining second. Then in two variables. Then we have to only mark the point. Right. You have to just mark the point. Okay. Ab two variables mein humko kya plot karna hai? X equals to minus 4.5. Okay. So X equals to minus 4.5. will be a line parallel to which axis, Manav? Y axis. Y axis. Okay. So we'll just mark these points minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Y axis, ye axis hai. Iske parallel humko ek line banana hai, jo minus 4.5 se pass ho. Matlab, here, between minus 4 and minus 5, there will be a line which will be passing here. Okay. So we'll make a line parallel to y axis. Okay. And this point should be minus 4.5. Okay. This equation is x equals to minus of 4.5. Clear? Yes, ma'am. Yes,